राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। आपको हम कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप सोचेंगे आखिर कैसे कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को यूपी चुनाव के लिए तैयार किया है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। तो देखा आपने कैसे एक लड़की अपनी जीत और क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को घर से बुलाकर उनके बीच जाकर वोट मांग रही है। कांग्रेस की ये प्रत्याशी गोरखपुर शहर विधानसभा से अपना दमखम दिखा रही है। सीएम योगी को सीधी टक्कर देती दिख रही है कांग्रेस प्रत्याशी चेतना पांडे। आपको बता दें, क्षेत्र के लोगों के साथ साथ कई ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो चेतना पांडे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख रहे हैं। कम लोगों को साथ में रख कर बिना भेदभाव चेतना पांडे सबसे मिल रही है और उनकी समस्या सुन रही है। मैडम, आज आप मोहल्ले में गए, आपने डोर भी खटखटाया वोट के लिए, आप यहाँ पर वकीलों के बीच भी हैं, क्या लगा आपको? आपने डोर खटखटाया, कई लोगों से आपकी बात हुई होगी उस दौरान, महिलाओं ने क्या समस्या बताई और जो वकीलों की जो समस्या है, दो क्वेश्चन है उसका। देखिए, हमेशा प्रमुख मुद्दा रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सम्मान, बुनियादी सवाल यही है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चाहे वो घर हो चाहे कचहरी, स्थितियाँ वही सारी रहती हैं। व्यवस्थागत खामियाँ वहाँ पर भी हैं, व्यवस्थागत खामियाँ यहाँ पर भी हैं। अच्छा, जो वकील हैं, वकील लोगों का कहना है कि हमें वकील प्रोटेक्शन एक बिल जो होता है वो हम चाहते हैं वो लाया जाए, तो इस पर किस तरह से आप काम करेंगे? अगर इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, अगर मुझे मेरे अधिकार उस तरीके के बनते हैं तो निश्चित रूप से सदन में आवाज़ उठाऊंगी और इस पक्ष पर रखूंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, इनका कहना है कि जैसे कोरोना काल में जब इस तरह की महामारी आती है तो जो वकील है, वकीलों को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसा ये रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो ऐसे वक्त अगर ऐसी महामारी आती है और आप हैं विधायक, मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार को एक मानदेय निर्धारित कर देना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए, और इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है एक प्रॉपर फीस भी निर्धारित होनी चाहिए और एक मानक बन जाना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए, साथ ही साथ इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई अगर घटना हो, हालांकि कुछ हद तक है भी, लेकिन पेंशन की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे मुद्दे हैं। अगर स्थिति बनती है उस तरह की, अधिकार मिलते हैं तो इन पर आवाज़ भी उठाऊंगी और करवाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, आप मोहल्ले में गई, आपने क्या खामियां देखी, क्या चीज़ अभी बाकी है वहाँ पर जो अगर आप होंगी तो उसको सबसे पहले दूर करेंगे? वही जल जमाव जैसी स्थितियाँ, टूटी हुई नालियाँ, टूटी हुई सड़कें और तरह तरह की सीवर, तो यहाँ तो 80% वही कहानी है कि केवल विकास जो भी हुआ है सब पोस्टर्स पे हुआ है, नारों में है, बाकी भीतर की हालत तो खराब ही है। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जैसे ही ऐसे हालात होते हैं तुरंत उस पर काम। अच्छा, चैम्बर की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ का क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जो चैम्बर है जो जिसमें होगा, लेकिन अभी तक वो बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, तो आपको क्या है? अधिवक्ता समाज के लिए उनके हित में जो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे उनकी बैठने की व्यवस्था की दृष्टि से हो, इंश्योरेंस की दृष्टि से हो, मानदेय की दृष्टि से हो, पेंशन की दृष्टि से हो, पेंशन बहुत महत्वपूर्ण है और मानदेय भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टाइपेंड आप कह सकते हैं उसको, तो इन सभी विषयों को लेकर के मैं आवाज़ उठाऊँगी और करवा के रहूँगी।